बैक नमो एप माध्यम थी पीएम मोदी पेज प्रमुखों साथे संबोधन करी रहा छे, बातचीत करी रहा छे। कार्यकरों ने पीएम मोदी मंत्र आप्यो, नमो एप माध्यम थी तमाम लोगों साथे जोड़ाया छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पास भी नहीं है, इसलिए भारत का चुनाव आयोग, हमारी चुनाव प्रक्रिया बहुत से देशों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। आज एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के चेयरमैन के तौर पर भारत विश्व के कई देशों को अपने अनुभवों का लाभ दे रहा है। ये भी बहुत संतोष की बात है कि भारत की हर संवैधानिक संस्था ने हमेशा चुनाव आयोग की गरिमा की रक्षा की है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसने हमेशा चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया है। हमारी अदालतों ने भी, सुप्रीम कोर्ट तक, हर किसी ने चुनाव आयोग को हमेशा अपना समर्थन दिया है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि चुनाव आयोग के आदेशों के पालन में, चुनाव की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा ना आए। साथियों, आज इस कार्यक्रम में जुड़े आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जिन्होंने हाल ही में अपने को वोटिंग के लिए एनरोल किया है। ऐसे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि पुराने दिनों में अलग अलग उम्मीदवारों के नाम के अलग अलग रंग के बक्से होते थे जिनमें लोग अपना मतदान करते थे। पहले आम चुनाव में यही हुआ था, प्रत्येक मतपेटी अलग अलग रंग की थी और उस पर उम्मीदवार का नाम और पार्टी का चिन्ह था। उस दौर से निकलकर आज भारत में ईवीएम की मदद से मतदान होता है। एक समय था जब मतदान के बाद वोटों की गिनती कई कई दिनों तक होती थी, लेकिन ईवीएम की वजह से अब कुछ ही घंटों में नतीजे आ जाते हैं। साथियों, 1951 में जब चुनाव हुए तो 45% लोगों ने वोटिंग के लिए अपना जो अधिकार था उसका इस्तेमाल किया था, सिर्फ 45%। 2019 में जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए तो 67% मतदान हुआ था। इन वर्षों में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। कई जगहों पर महिला वोटर्स ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का इतना कम रहना, इस पर जरूर सोचना चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, सभी नागरिकों ने सोचना चाहिए। हम लोग देखते हैं खासकर शहरी इलाकों में, पढ़े लिखे संपन्न समझे जाने वाले इलाकों में वोटिंग परसेंटेज अक्सर बहुत कम रहता है। लोग सोशल मीडिया पर तो चर्चा करते हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते। ये स्थिति भारत जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में निरंतर बदलती रहनी चाहिए और निरंतर सुधार होते रहना चाहिए। क्या आज आजादी के इस 75वें वर्ष में हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम जो पन्ना प्रमुख है, हम जो बूथ समिति के अध्यक्ष हैं, हम तय करेंगे हमारे बूथ में, मैं जहां पन्ना प्रमुख हूं उस पन्ने पर जितने लोगों के नाम है, मैं कम से कम आजादी के 75 वर्ष के निमित्त 75% वोट हमेशा करवाऊंगा। जो भी चुनाव होगा, छोटा चुनाव होगा, बड़ा चुनाव होगा, राज्य का होगा, पंचायत का होगा या देश का होगा, मैं ये तय करूंगा हां 75% वोट मेरे
पन्ना प्रमुख के नाते मेरी जहां जिम्मेवारी है वहां हो, बूथ समिति के अध्यक्ष के नाते जहां बूथ हो वहां हो, और जहां भी मेरी जो भी जिम्मेवारी हो ये हमने करना चाहिए। मुझे आज के युवाओं का उत्साह देखकर उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे युवाओं ने शाही लगी उंगली की सेल्फी को कूल फैक्टर बना दिया है, ये फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए मतदान सबसे पवित्र दान है। साथियों, बीते समय में चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं और मैं इसकी सराहना करता हूं। पहले नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए साल में सिर्फ एक बार मौका मिलता था, अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए साल भर में 4 बार मौका मिलता है। चुनाव आयोग ने 80 साल के बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए घर पर जाकर मतदान की भी व्यवस्था की है। और आपको शायद मालूम होगा, एक सी विजिल नाम का ऐप है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ है। इस सी विजिल ऐप के माध्यम से मतदाता किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। अब वोटर के नाम को आधार नंबर के साथ जोड़ने का भी प्रयास चल रहा है, इससे मतदान में भी पारदर्शिता आएगी। साथियों, मैं आज नेशनल वोटर्स डे पर देश के लोगों से, हमारे एकेडमिशियंस से, एक्सपर्ट से वन नेशन वन वोटर लिस्ट और वन नेशन वन इलेक्शन पर निरंतर चर्चा होती रहनी चाहिए। जब चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष साथ में आएगा, मंथन होगा, तभी तो अमृत निकलेगा। ये चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए, चर्चा लगातार चलती रहनी चाहिए, और लोकतंत्र में यही तो एक उत्तम मार्ग होता है। मैं चाहूंगा कि देश के बुद्धिजीवी लोग, देश के राजनीति में सक्रिय लोग इस विषय में जरूर आगे आए। साथियों, अलग अलग वोटर लिस्ट होने की वजह से हर कुछ महीने पर चुनाव होने से देश के विकास की गति और विकास से जुड़े निर्णय प्रभावित होते हैं, हम सबने अनुभव किया है। हर चीज में चुनाव नजर आता है। अब देखिए, मैं गुजरात में आप सबसे बात कर रहा हूं, तो मैं आज देख रहा था, सुबह कुछ मीडिया में चल रहा था कि मोदी चुनाव की तैयारी कर रहा है। एक्चुअली तो मैं बहुत दिनों से पन्ना प्रमुखों से मिला रही था, तो मेरा मन कर गया, चलो आपने निमंत्रण दिया तो मैंने कहा मौका है, चलो सबसे बात करेंगे। लेकिन हर चीज में राजनीति दिखती है, हर चीज में चुनाव दिखता है। साथियों, चलिए मैं पहले तो आप सबसे बातें करूं, लेकिन बाद में मैं जरूर कुछ बातें कहना चाहता हूं और आप जरूर उसको नोट कर लेंगे ताकि इसका सही उपयोग हो सके। बताइए, पहला फोन कॉल किसके साथ जोड़ रहे हैं, किससे हमारी बात होगी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। नमस्ते जी, मेरा नाम हितेश चौधरी, मैं सूरत जिले का मांडी तालुके में रहने वाला हूँ। हितेश भाई नमस्ते। नमस्ते। तो आप मांडवी तालुका से हैं? हाँ। तो आज आपको हिंदी बोलना पड़ेगा। हाँ सर। तो आप तो मांडवी के ही रहने वाले कि कुछ इंटीरियर आदिवासी गांव में से हैं? सर, मैं मांडवी तालुका उमरखाड़ी गांव में रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ।
हितेश बताइए आप क्या करते हैं और मांडवी का हाल क्या है? सूरत जाना आना होता है कि मांडवी में ही रहते हैं? परत फरिए एक ब्रेक बाद आज संबोधन नमो एप ना माध्यम थी जोड़ाईशु। बात कर रहा हूँ स्वामी, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। कहाँ से बोल रहे हो शैलेश जी? मैं बड़ौदा जिला का पादरा गांव से बोल रहा हूँ। पादरा से बोल रहे हैं? जी सर। पादरा तो हमारे परनामी जी का गांव। जी सर, परनामी जी का गांव। आप पादरा रह भी चुके हैं? अच्छा शैलेश जी, अभी मैं सूरत जिले से बात कर रहा था, हमारे आदिवासी कार्यकर्ता से बात कर रहा था, हितेश भाई से, और वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने वैक्सीन के लिए काम किया, कैसे लोगों को जागृत किया। आपने भी सुना होगा उन्होंने जो बताया। इसके अलावा क्या क्या काम किया आप बता सकते हैं क्या? जी प्रधानमंत्री जी, आपने हम सबको सिखाया है कि देश प्रथम। हम लोग वही संकल्प को लेकर लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना के दरमियान हर भाजपा कार्यकर्ता ने लोगों की लगातार मदद की। किसी को दवा की जरूरत थी, किसी को बेबी फूड की जरूरत थी, हम लोगों ने बच्चे ढूंढ सबकी मदद की है। बहुत से बुजुर्ग और महिलाएं तो कहने लगी कि कोई काम हो तो भाजपा वाला को बता दो। शैलेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने समाज के हर वर्ग की चिंता की और सभी संगठन के कार्यकर्ता सक्रिय रहे और जनता के आशीर्वाद हमें समाज सेवा करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और जनता तो जनार्दन होती है, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है, और लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए क्या इस समय यानी भाजपा के कार्यकर्ता के नाते कहो या ये कोरोना कालखंड में काम हो, क्या आप टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग करते हैं क्या? जी सर, क्योंकि हमारे सीआर पाटिल तो टेक्नोलॉजी के बारे आग्रही हैं, तो वो नई नई चीजें करते रहते, आप भी करते हैं क्या? जी सर, उन्होंने हमको सबको सिखाया और एक्टिव किया सोशल मीडिया में, और उन्हीं का मार्गदर्शन के लेके हम लोग कई तरह से काम कर रहे हैं। हमने पूरे इलाकों को सेक्टर में बांट लिया है और एक एक टोली को लोगों के घर जाती है या फिर उनका हालचाल फोन से लेती है। हर इलाके में एक व्यक्ति इंचार्ज बनाया है जो लोगों को संपर्क में रहता है। इसके अलावा हर इलाके के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें लोग अपनी समस्या लिख कर डाल देते हैं। हम लोग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमें लोगों की जरूरत का पता चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी हम लोग नजर रखते हैं और एक दूसरी टोली और कार्यकर्ताओं को इनके इलाके के बारे में बताते रहते हैं। और पाटिल साहब और आपका एक हमको बात करने का एक अवसर मिला और हम पूरी तरह से पूरे खास के लोगों की सेवा करते हैं। लोग भाजपा का कार्यकर्ताओं को हर बार याद करते हैं। शैलेश भाई, मुझे अच्छा लगा कि पादरा जैसे ग्रामीण इलाके में भी आप लोग टेक्नोलॉजी का बढ़िया ढंग से उपयोग कर रहे हैं और वो भी जनता से जुड़ने के लिए, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए, जानकारियां इकट्ठी करने के लिए है। ये बात सही है, जब नीयत सही होती है, समाज सेवा का संकल्प होता है, समाज को अगर हम परमात्मा का रूप मानते हैं तो फिर जाती है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देश के सामने आई ये सबसे बड़ी महामारी में साबित कर दिया कि हम लोगों को अपना यानी पूरा समाज, सब लोग हमारे लिए एक परिवार है और हम लोग इस बात से ही संस्कारित हैं कि सत्ता भी हमारे लिए वो सेवा का ही माध्यम है। ये आप भी जानते हैं कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देती है कि पहले देश फिर दल। जी सर, एक तरह से कहें तो पन्ना प्रमुख कर्तव्य है कि वह दल से ऊपर उठकर
जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करें। मैं तो चाहूंगा कि पन्ना प्रमुख को उसके पन्ने पर जितने परिवार हैं उस परिवार का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, परिवार के सब व्यक्तियों को नाम से जानने वाला होना चाहिए, परिवार में अच्छे बुरे प्रसंगों का उसको पता होना चाहिए, हर समय उस पन्ने पर जितने उसके साथी नाम हैं वो उसका विशाल परिवार है। जब तक पन्ना प्रमुख मतदाता सूची के उस पन्ने पर जितने नाम है उन सबको अपना परिवार मान लेगा, उनके सुख दुख जान लेगा, उनकी आवश्यकताएं जान लेगा, तो आप देखिए जीवन का इतना बड़ा आनंद होगा, इतना आनंद होगा जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। चलिए, पहले जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपको और पादरा के सभी पुराने साथियों को हमारा नमस्कार कहना। भैया जी, सर जी, सर आपका भी आइए। और कौन है हमारे साथ, कौन बात करेगा? नमस्कार सर जी, मैं हेलो हेलो हाँ नमस्ते जी। नमस्ते सर, हेमलता भोई बात कर रही हूँ मैं। सर हेमलता जी नमस्ते। रिस्पेक्टेड आदरणीय सर प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम हेमलता भोई है और मैं महिषासर जिले लुणावाड़ा से बोल रही हूँ। हेमलता जी आप करती क्या है? सर मैं समाज सेवा कर रही हूँ और प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही हूँ। अच्छा, आप टीचर हैं? हाँ टीचर हूँ सर। अच्छा अच्छा, हेमलता जी आप टीचर हैं, बच्चे स्कूल आ नहीं रहे हैं, आपने वैक्सीन लगवा दिया क्या? आपके परिवार के सब लोगों ने वैक्सीन लगवा दिया क्या? हाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे और पूरे परिवार को दोनों डोज लग चुकी है, साथ ही मेरे परिवार में जो बच्चे 15 साल से ऊपर हैं उन्हें भी पहली डोज लग चुकी है। प्रधानमंत्री जी पर आपसे बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बताइए। सर आप गुजरात में थे तब भी और अब भी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पर आप कार्यकर्ताओं का इतना ध्यान रखते हैं, जैसे परिवार का मुखिया हम सबका ख्याल रखता है वैसे ही आप हम लोगों का ध्यान रखते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसा नेता हमें मिला। हेमलता जी हमारा तो संगठन ही एक परिवार है और इसलिए परिवार के व्यक्ति के नाते हर किसी के सुख दुख की चिंता करना हम सबका दायित्व है। अब तो मैं ज्यादा कर भी नहीं पाता हूँ लेकिन जब भी पता चलता है तो मैं जरूर बात कर लेता हूँ। और आपने कहा कि मैं नेता जी, नहीं आपने सही नहीं कहा, मेरे जैसा नेता नहीं मिला है। मैं तो एक साथी हूँ, मैं एक सेवक हूँ और हम सब साथी कार्यकर्ता है, हम सब नेता है और सब कार्यकर्ता भी है। हेमलता बहन ये आप सबका स्नेह और मेरी सबसे पहली पहचान कार्यकर्ता की ही है। देश की जनता और आप लोगों ने जो दायित्व दिया है वो मैं, मेरी जिम्मेवारी है उसको मैं निभा रहा हूं। और आप जानती हैं हमारी सरकारों की सोच है कि देश भर के लोगों का जीवन आसान बने। गुजरात सरकार ने पर्यटन विकास के लिए बहुत से काम किए हैं। ये आपके महिसागर जिले में इसका कोई लाभ हो रहा है क्या? जी सर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी गुजरात सरकार ने तो बहुत सारे काम किए हैं। पूरे गुजरात की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने सरदार साहब की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लगवाई। इसके अलावा कच्छ में जो विकास के काम हुए हैं, गुजरात में जो नए रोपवे शुरू हुए हैं उसका बहुत प्रभाव हुआ है और सोमनाथ और अंबा जी के दर्शन के लिए भी बहुत श्रद्धालु आते हैं। अभी जब कोरोना कम हो गया था तो बहुत सारे पर्यटक आए थे सर, अब एक बार फिर उम्मीद है कि तेजी से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। हेमलता जी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात की, सरदार साहब की प्रतिमा पूरे देश के लोगों के समर्पण और जनता जनार्दन के सहयोग का ही परिणाम है जी सर। और इसके लिए आपको तो याद होगा देश भर के हर गांव से किसानों ने खेत में जिस औजार का उपयोग किया उस लोहे को हमने एकत्र किया था, यानी देश की एकता का एक अभियान था वो।
और सरदार साहब की प्रेरणा से जो किया जाए वो कम है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, पूरा देश इस बात से गौरवान्वित है जी सर। इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि टूरिज्म से रोजगार भी बहुत मिलते हैं और गरीब से गरीब भी रोजी रोटी कमा सकता है। हेमलता जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। आइए अब आगे किसके साथ जुड़ रहे हैं हम। नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं दत्त ऋषिका कनावती महानगर से बोल रही हूँ। तो ऋषिका दत्त, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने बीकॉम ग्रेजुएट किया है, एनसीसी भी किया है और एमकॉम फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ रही हूँ। अच्छा, अरे वाह। और कहाँ रहती, कहाँ हैं आप? मैं कनावती महानगर दरियापुर वार्ड में रहती हूँ। दरियापुर? यस जी सर। अच्छा अच्छा, ऋषिका जी। जी सर। चुनाव में हम जानते हैं, अभी अभी आपका कॉरपोरेशन का चुनाव गया, बड़ा भव्य आप लोगों ने विजय प्राप्त किया, तो आप सब इस विजय के लिए जो मेहनत की और जो पन्ना प्रमुख वाला प्रयोग था वो बड़ा सफल रहा, ये बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। और आप जानते हैं कि हमारे लिए चुनाव एक लोकतंत्र में, लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है और लोकतंत्र के उस उत्सव में हर नागरिक को बढ़ चढ़ करके जुड़ना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, हमें जनता जनार्दन की आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरना, उनको प्रगति के राह पर ले जाने वाला निर्णय करे, काम करे। अब देखिए, गुजरात और गुजरातियों के विकास के लिए अगर कोई काम करता है तो आप स्वाभाविक चर्चा बने, विकास यानी बीजेपी नाम हो गया है, लोगों के दिमाग में बैठ गया है। अगर मैं सिर्फ अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद में मेट्रो के दूसरे फेज का काम भी शुरू हो गया है। अहमदाबाद में ऐसी परियोजनाएं आज शहर की पहचान बन चुकी हैं। उसी प्रकार से गांधीनगर का पूरा इलाका एक प्रकार से एजुकेशन का हब बन चुका है। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट एक प्रकार से अहमदाबाद में फेफड़े का काम कर रहा है, लोगों को आने जाना एक सुविधाजनक बन चुका है। तो काफी विकास के काम तेजी से बढ़ रहे हैं जी सर जी। हाँ बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ पर जो भी विपक्ष के नाम पर कांग्रेस पार्टी है वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, लोगों से नहीं। विकास की बात तो वो कर ही नहीं सकते हैं। गुजरात और गुजरातियों के विकास के लिए अगर कोई काम करता है तो वो है भाजपा। अगर मैं सिर्फ अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद में मेट्रो के देखिए ऋषिका जी, अहमदाबाद का तो अब मैं काफी कुछ जानता हूं, इसलिए मैं उसकी चर्चा तो मैं काफी परिचित रहा हूं और मैं चाहूंगा कि बाकी सब कार्यकर्ताओं को भी अहमदाबाद की प्रगति का मालूम है, और इसलिए चलिए मुझे अच्छा लगा ऋषिका जी से आपसे बात करने का मौका मिला। लेकिन मैं जुड़ाइए पेज प्रमुखों साथे की बातचीत में। बनासकांठा के सभी नागरिकों को और जय अंबे सबको। आइए अगले कौन सज्जन बात करेंगे हमारे साथ। ओके। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। कौन बोल रहे हैं जी? मैं हरेश महेश्वरी, कच्छ जिला भुज से, बूथ नंबर 189, पेज नंबर 36, पेज प्रमुख बात करता हूँ। हरेश जी नमस्ते, करते क्या हैं हरेश जी आप? सर मैं एज ए एमआर तरीके जॉब करता हूँ फार्मास्यूटिकल में। अच्छा अच्छा। अभी कच्छ में ठंड कैसी है भाई? कच्छ में ना ठंड तो होती होती है। प्रधानमंत्री जी, हम लोग बिल्कुल ठीक है, अभी ठंड तो ठीक ठाक पड़ रही है।
मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ सर। हम लोग बताइए, मन की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं। मैं तो अपने बच्चों को भी ये कार्यक्रम सुनाता हूँ। इसमें जिस तरह के विषय आप चुनते हैं उनसे हम सभी सभी को और बच्चों को भी बहुत प्रेरणा मिलती है सर। हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं। अच्छा हरीश भाई, आप पन्ना प्रमुख है, आपके पन्ने पर 25-30 मतदाताओं के नाम होंगे, मतलब 15-20 परिवारों से आप जुड़े हुए होंगे। क्या कभी इन 15-20 परिवारों ने साथ मिलकर के मन की बात सुना है क्या? हाँ सर, सुना है सर, कई बार सुना है हमने। देखिए, मैं जो पन्ना प्रमुख है उनसे आग्रह करूंगा कि महीने में एक दिन जब मन की बात होती है उस समय आप मिलकर के बातें करेंगे तो मैं मन से सोचूंगा कि मैं आपके बीच बैठकर के गप्पे मार रहा हूं। मैं कच्छ में आया हूं, आपके साथ बातें कर रहा हूं, आप सब मेरे सामने बैठ रहे हैं, मुझे बहुत आनंद आएगा। तो ये सभी पन्ना प्रमुख से मेरा आग्रह है कि आपके पन्ने पर जितने नाम है क्या महीने में एक बार सब साथ में मिल करके ये मन की बात सुन सकते हैं क्या? हाँ सर, सुन सकते हैं। तो आप शुरू करेंगे? हाँ सर, शुरू करूंगा। फिर उसकी फोटो भी आपको नमो ऐप पर अपलोड करनी होगी। हाँ सर, मैं नमो पे करते हूँ, ट्विटर पर भी आपको सर ट्वीट करता हूँ। आप तो फोटो नहीं, हर महीने मैं हरीश भाई की फोटो देखूंगा। क्यों सर, मैं कि आपने सब मिलकर के मन की बात सुन रहे हैं। हाँ सर, श्योर, पक्का सर। देखिए हरीश भाई, कच्छ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और मुझे हमेशा कच्छ हमेशा याद रहता है। कोई भी बात करूंगा तो मैं कच्छ का उदाहरण देता ही देता हूँ। कच्छ में जो कुछ भी प्रगति हुई है आज लोगों में क्या चर्चा है, क्या कहते हैं लोग? सर, हमें गर्व होता है कि हमारे कच्छ में भारत का इतना बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। जो कच्छ वीरान रहता था वहां पर अपने रण उत्सव की शुरुआत कर इसमें पर्यटन को प्रमुख केंद्र बना दिया है। और सर, कोरोना में उत्सव के दौरान यहाँ आते हैं टूरिस्ट रण में 4-5 लाख, कुछ कमी तो आई है पर यह समय तो बीत जाने वाला है। पहले जिस रेगिस्तान को कोई कुछ नहीं रहा था उसी कच्छ का सफेद रण, कच्छ का रणोत्सव आज पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अपने और आपके बाद हमारे सभी मुख्यमंत्री ने यह कच्छ की बनी भैंस को दुनिया में मशहूर कर दिया। आज बनी भैंस के दूध का कारोबार और उसके लिए बनी व्यवस्था सबका फायदा कर रहा है। जिस कच्छ में पानी नहीं मिलता था आज ज्यादातर घर में नल से जल का आ रहा है। मांडवी में तैयार हो रहा है डिसिलेशन प्लांट पानी की हमारी समस्या को हल कर रहा है। कच्छ के लोग आपका प्रति आभारी है सर। देखिए हरीश भाई, मैं तो कच्छ का आभारी हूँ। जब मैंने पहली बार वास्मो के द्वारा पानी का काम कच्छ में शुरू किया था, सारी कच्छ की माताओं बहनों ने इस काम को उठा लिया था और उसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। तो पानी के संबंध में कच्छ के लोग समझते हैं कि कितना महत्व है और कच्छ के लोगों ने करके दिखाया था। अच्छा, रणोत्सव में इन दिनों कैसा माहौल है, कभी जाना हुआ क्या इस बार आपका? हाँ सर, मैं गया था सर। वैसा ही मूड है लोगों को, रोज लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। आप बहुत आते हैं पब्लिक से, टूरिस्ट बहुत आते हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि इन दिनों ट्विटर पे फेसबुक पे जो कच्छ का रण देख करके आते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लिखते हैं, बड़ा आनंद होता है मुझे। और अब तो धोलावीरा भी वहां भी टेंट सिटी बना है मैंने सुना है। और लोग कच्छ का रण के कार्यक्रम के साथ धोलावीरा भी जाकर रात को रुकते हैं। हरीश भाई, जी सर, सचमुच में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कच्छ की कई बातों की एक प्रकार से सामने मुझे सारा चित्र खड़ा हो गया। मेरी तरफ से सभी कच्छ के मेरे साथियों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देना, बहुत बहुत बधाई। जी सर, आभार सर। आइए और किससे बात करेंगे हम? नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, मैं विपुल गोंडलिया अमरेली जिले के अमरेली तालुका के बाबापुर गांव के बूथ नंबर 259 का पन्ना प्रमुख, पेज 13वां जो पन्ना है उसका पेज कमेटी का सदस्य बोल रहा हूँ। बाबापुर से हैं? हाँ जी सर, बाबापुर से है। अच्छा अच्छा विपुल भाई। हाँ जी सर। अमरेली में? हाँ सर। क्योंकि वह बाबापुर है तो कोई अमरेली दूर नहीं है, तो आपका जाना आना होता ही होगा। ये जो हमने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया, ये बच्चों में उत्साह कैसा है वैक्सीनेशन का? सर बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह है, सभी स्कूलों में बच्चे इसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और सर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जी, आपने इतिहास के उन महापुरुषों का सम्मान दिया जिनका सम्मान आजादी के इतने दशक के बाद भी नहीं हुआ था सर। वो इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष जी की जो डिजिटल वाली प्रतिमा है सर, उसका कार्यक्रम मैंने पूरा देखा, बहुत खुशी सर, मुझे बहुत गर्व हुआ सर। और मुझे याद है सर, जब यहाँ विधानसभा के चुनाव गए थे तो कांग्रेस को सरदार साहब की फोटो की अचानक याद आ गई, फिर वापिस सर वो भूल गए सब कुछ। मुझे तो इस बात का अफसोस है सर कि कांग्रेस का कोई बड़ा, आज तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कवड़िया कॉलोनी के जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सर आपने जो इतना बढ़िया बनाया, वह देखने तक नहीं गया सर। देखिए विपुल भाई, हम भारतीय जनता पार्टी की चिंता करें, हम गुजरात के नागरिकों की चिंता करें, हम हमारे देश के महापुरुषों की चिंता करें, और जो भी अच्छा है उसको लेकर के हम आगे चले। हमें लोगों के दिल जीतते रहना है, लोगों के सुख दुख की चिंता करते रहना है, और अमरेली के उत्साही लोगों की। आप जो रहा छोवे टीवी न्यूज अत्यारे नमो एप ना माध्यम थी पीएम मोदी संबोधी रहा छे, सीधा जईशु त्यां। सभी भाषण, एक भी भाषण छूटने नहीं देता हूँ, सभी भाषण में देखता हूँ। और सर मैं हमारे पूरे मित्र सर्कल को अपना भाषण में आपका भाषण पूरा सुनाता हूँ सबको मैं। और आज जितना ध्यान आप हमारा रखते हैं उतना कम ही नेता होगे को अपने कार्यकर्ताओं के ध्यान देते होगे। और सर नमो ऐप में आपने कमल पुष्प सेक्शन में जो जानकारी दी है उसे हमें पता चला है कि कितने बलिदानियों से हमारी पार्टी तक पहुंची है, कितने लोगों ने बलिदान दिया है तब हमारी पार्टी सब यहाँ पहुंची है। सर जो इतिहास के रचयिता है उनको इतिहास की जानकारी जरूरी है, हमारी जीवन बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान है सर। अल्पेश जी, आपने कमल पुष्प की बात कही और सभी पन्ना प्रमुख मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं जरूर इस विषय पे थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। देखिए कमल पुष्प एक बहुत ही अभिनव अभियान है। आप जिस क्षेत्र के पन्ना प्रमुख हैं, लोगों से पूछ करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि उस क्षेत्र में जनसंघ के जमाने में कौन हमारी पार्टी का काम करता था, बीजेपी के समय हमारी पार्टी का कौन काम करता था, इमरजेंसी के समय जो अत्याचार हुए हमारे किन किन लोगों को सहना पड़ा, हमारे लोगों को क्या क्या जिम्मेवारियां उठानी, कौन बैठते थे, ये सारे लोगों की जानकारी निकालनी चाहिए, हो सके तो उनकी फोटो कलेक्ट करनी चाहिए और ये सारी चीजें कमल पुष्प पे रखनी चाहिए। और कोई पहले हमारी पार्टी में थे आज पार्टी छोड़ दी हो तो भी उनका लिखना चाहिए कि पहले हमारे साथ काम करते थे। हमारी चार चार पांच पांच पीढ़ी पूरा जीवन खपा दिया है, अगर कमल पुष्प में हम उनको अमर बना देते हैं, उनकी हर पुराने समय में उन्होंने जो काम किया है, साइकिल लेकर के गांव गांव गए हुए हैं लोग, ये अगर आप कमल पुष्प पर अपलोड करने का अभियान चलेगा। और राजकोट तो एक प्रकार से गुजरात में जनसंघ को
अगर कहीं से ताकत मिली तो राजकोट से मिली। सबसे पहले जो पार्टी की ताकत खड़ी हुई वो राजकोट में खड़ी हुई, और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं पहला जो चुनाव लड़ा जीवन में वो राजकोट से लड़ा, और राजकोट ने मुझे बहुत प्यार दिया, और वो गाड़ी अब चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा अल्पेश जी, जो पार्टी का कार्यकर्ता सेवाओं में जो काम करता है, जो इन दिनों कोरोना के समय काम किया होगा, हेल्थ सेक्टर में और अस्पतालों में काम किया होगा, क्या राजकोट में इसके कारण कोई परिवर्तन नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री जी, राजकोट में तो स्वास्थ्य सेवा सुधर रही है और पूरे गुजरात में स्वास्थ्य सेवा सुधर रही है। चेयरपर्सन हैज लेफ्ट द कॉन्फ्रेंस। આજે પીએમ મોદી છે તે કાર્યકરોને મંત્ર પણ આપી રહ્યા છે। મહિલા મતદાતાઓની સંખ્યા વધી છે તેવું પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું, ત્યારે મહિલાઓએ પુરૂષોની સરખામણીમાં વધારે મતદાન કર્યું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે। મતદાન ટકાવારી ઓછી રહેવા અંગે વિચારવું જોઈએ તેવું પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું। નમો એપના માધ્યમથી પીએમ મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે ત્યારે ઘણા વિસ્તારમાં શિક્ષિત લોકો જ મત આપવા નથી જતા તેવું પણ તેમણે કહ્યું હતું। ત્યારે મતદાન વધારેમાં વધારે લોકોએ કરવું જોઈએ તેની જાગૃતિના ભાગરૂપે પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે આજના યુવાનોનો ઉત્સાહ જોઈને આનંદ થઈ રહ્યો છે। લોકશાહીને મજબૂત કરવા માટે મતદાન છે તે સૌથી મહત્વનું છે। ચૂંટણી પંચે મતદાન ટકાવારી વધારવા માટે ઘણા પ્રયાસો પણ કર્યા છે, ત્યારે નવા રજીસ્ટ્રેશન માટે હવે 4 તક મળે છે। और इसी वजह से जो कितनी बीमारी ऐसी थी उसको निपटने के लिए हमको बॉम्बे जाना पड़ता था, तो दिल्ली किसी को जाना पड़ता था, अब कहाँ किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी बीमारियों का इलाज हमारे राजकोट में एम्स में मिल जाएगा सर। और सर 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज दी है आपने, ये एम्स राजकोट के राजकोट में है, इसीलिए हम लोग बहुत सर खुश है, बहुत खुश। अल्पेश जी, मुझे आपकी खुशी आपकी बातों में भी नजर आ रही है, एकदम आपका आवाज में भी ताकत बढ़ गई। अल्पेश जी, भारत आज हेल्थ सिस्टम को लेकर बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। भारत ने जिस तरह मजबूती से कोरोना से लड़ाई लड़ी है वो दुनिया ने भी देखी है। आज चाहे मास इम्यूनाइजेशन हो या फिर इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी, सबकी निगाहें भारत की तरफ देख रही हैं। इस पूरे हेल्थ सिस्टम को आगे बढ़ाने में, लोगों तक पहुंचाने में आप जैसे अनेक कार्यकर्ताओं का भी योगदान है। आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों तक योजना को पहुंचाना हो या फिर कोरोना में लोगों को वैक्सीन बूथ तक ले जाना, आप जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने देश के हर कोने में काम किया। उसी प्रकार से सेवा ही संगठन के समय भी, कोरोना के समय हमारे कार्यकर्ता घर में रहने के बजाय कोई गरीब भूखा न सो जाए, किसी को असुविधा ना हो, दवाई चाहिए उसको दवा पहुंचाई, अनेक प्रकार के काम किए हैं। तो मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। राजकोट के सभी लोगों को हमारी याद दे देना, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है काफी समय से हम बात कर रहे हैं, अब मुझे लगता है कि देश भर के कार्यकर्ताओं को लगता होगा कि गुजरात वालों ने कार्यक्रम कर लिया, हमको भी करना है। अगर कोई प्रदेश इस प्रकार का कार्यक्रम चाहता होगा तो मुझे तो अच्छा लगेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा तो मैं भी कभी समय निकाल दूंगा। लेकिन आज गुजरात ने इस कार्यक्रम की रचना की तो मुझे अच्छा लगा कि इस बहाने मैंने और मुझे बताया कि लाखों की तादाद में आज हमारे पन्ना प्रमुख इसके साथ जुड़े हुए हैं और मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिला है। अपने बात कार्यकर्ताओं से जब बात करते हैं तो जो एक संतोष मिलता है, एक जो अपनापन महसूस होता है,
उसका मैं आनंद जो है ना वो शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता हूं। वैसे तो मैं आमतौर पर पार्टी की कोई भी मीटिंग हो तो एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता के रूप में जरूर पहुंचता हूं, बातचीत भी करता हूं, और स्वाभाविक है कि मुझे कार्यकर्ताओं से ग्रासरूट लेवल की सही जानकारियां मिलती हैं, और वही एक मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मुझे हिंदुस्तान के हर कोने से सही जानकारियां आपके सबके माध्यम से मिलती रहती हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि ऐसे कुछ प्रदेश हैं जहां बीजेपी को उतना समर्थन नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता डटे रहते हैं, कितने ही चुनाव हार जाए लेकिन वो सेवा करने का काम छोड़ते नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथियों, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष इस समय एक माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम करती है। इन दिनों भी माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, नमो ऐप पर जाकर के आप माइक्रो डोनेशन यानी सूक्ष्म दान 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया जो भी जिसकी मर्जी, इसका एक अभियान चल रहा है। क्योंकि हमारे हमें संगठन की शक्ति को हम हमेशा महत्व देते हैं। मैं सभी पन्ना प्रमुख से आग्रह करूंगा कि इस माइक्रो डोनेशन के कार्यक्रम में आपके पन्ने पर जितने नाम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। भले सिर्फ 5 रुपया दें लेकिन लोगों का जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको करेंगे। उसी प्रकार से आपको पता है कि देश में कुपोषण के खिलाफ बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। अगर हमारे देश का बालक, नवजात शिशु हो, छोटे बच्चे हो, वे अगर स्वस्थ होंगे तो आने वाले कई दशक हमारे स्वस्थ जाएंगे, और 2047 में 2047 में जब आजादी के 100 साल मनाएंगे, तब अगर अभी से हम कुपोषण से लड़ाई जीत लेंगे तो 2047 में हम एक स्वस्थ भारत के रूप में भी उभर करके आएंगे। क्या हम इस कुपोषण की लड़ाई को अपने जो पन्ना पेज प्रमुख है, हम पन्ना प्रमुख है, वहां कोई कुपोषित न हो, उसको पूरा पोषण मिले, उसके लिए जन भागीदारी से हम आंदोलन खड़ा कर सकते हैं क्या? मैं तो चाहूंगा कि हर पोलिंग बूथ में तंदुरुस्त बाल स्पर्धा होनी चाहिए साल में 1-2 बार, फिर पूरे गांव में होनी चाहिए, फिर पूरे नगर में होनी चाहिए, तंदुरुस्त बेटे बेटी उनको इनाम देना चाहिए, तो एक वातावरण बनेगा कि बच्चों में तंदुरुस्ती के लिए क्या करना चाहिए। आप देखते हैं आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 23 जनवरी सुभाष बाबू जयंती से हमारा प्रजातंत्र पर्व भी चालू हो गया है जो 30 तारीख तक चलेगा, और गुजरात में भी अमृत महोत्सव को लेकर के बहुत उत्साह है, अनेक नए नए काम हो रहे हैं, गांव गांव तक काम हो रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आज जो पन्ना प्रमुखों से बात हुई है उससे बात को बहुत बल मिलेगा। तो 2-3 बातें मैंने आज आपसे कही हैं कि एक, आप जिस पन्ने के प्रमुख है उस पन्ने पर जितने नाम हैं उन परिवारों के साथ आपका निकट संबंध होना चाहिए, चुनाव हो या न हो उनके सुख दुख के साथी के रूप में आपको निरंतर उनसे संपर्क बनाए रखना चाहिए, परिवार के सब लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए, हर एक को आपकी पहचान होनी चाहिए। दूसरा, मैंने कहा है कि हमारे दल को बनाने में 4-4 पीढ़ियों ने बलिदान दिया है, त्याग किया है, तपस्या की है, श्रम किया है, उन सबको कमल पुष्प पे उनका नाम अंकित हो जाए, उनके जीवन की घटनाएं अंकित हो जाए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। माइक्रो डोनेशन की मैंने बात कही है, हर पन्ना प्रमुख इनिशिएटिव लें और माइक्रो डोनेशन का एक अभियान चलाएं, भले 5 रुपया दे, हमें अधिकतम लोगों की भागीदारी चाहिए। हमें धन अधिक चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतम लोगों की भागीदारी चाहिए। और मैंने एक बात कही है, वो है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई। हम हमारे जिस पन्ने के हम प्रमुख हैं वहां कोई कुपोषित बच्चा नहीं होना चाहिए,
कैसे भी करके हमने उनकी चिंता करनी है। अगर ये हम समाज के मानवता के काम करते रहेंगे, हमको जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिलते रहेंगे। मुझे खुशी हुई कि आज कार्यक्रम तो गुजरात के लोगों ने बनाया था, तो मेरी ज्यादातर बातें गुजरात सेंट्रिक रही है। देश भर के कार्यकर्ताओं ने कई बातें सुनी हैं। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का भी आभारी हूं कि आज आपने सामने से होकर के गुजरात के इस कार्यक्रम में शरीक होने का निर्णय किया। और मुझे भी लगा कि आप हिंदी में बातें करूं ताकि आपसे भी संवाद हो जाए। मैं फिर एक बार गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल का, वहां के प्रदेश अध्यक्ष, संसद में मेरे साथी श्रीमान सी आर पाटिल जी का, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं इस इनोवेटिव कार्यक्रम के लिए। पन्ना प्रमुखों से मुझे मुलाकात करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम मोदी अत्यारे संबोधन करता जणाव्युं के महिलाओं पुरुषों ने सरखामणी